द यूज़ ऑफ टैब, यानी टैब का इस्तेमाल, प्रिंट टैब 10 सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमा ओपन 1 इन्वर्टेड कॉमा बंद क्लोज कॉमा टैब 20 सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कॉमा टैब 40 सेमी कॉलन 3 टैब इज़ यूज टू स्पेसिफाई द कॉलम एंड विच आउटपुट इज़ नीडिड। यानी टैब जो है वो इस्तेमाल होता है स्पेस स्पेसिफाई द कॉलम, मखसूस किस्म के कॉलम के लिए, एट विच आउटपुट इज़ नीडिड, जिसके जैसा कि आउटपुट को ज़रूरत होती है, यानी कि आउटपुट की ज़रूरत के मुताबिक एक ख़ास किस्म का कॉलम के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर अबव स्टेटमेंट, ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है, द आउटपुट विल बी, आउटपुट क्या होगी, 1, 2, 3। 1 विल बी प्रिंटेड एट कॉलम नंबर 10, 1 जो है वो प्रिंट होगी कॉलम नंबर 10 में, 2 एट कॉलम नंबर 20, 2 कॉलम नंबर 20 में एंड 3 एट कॉलम नंबर 40 में, और 3 को कॉलम नंबर 40 में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इनपुट। द इनपुट स्टेटमेंट यूज व्हेन द प्रोग्राम नीड्स वैल्यू टू बी प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। यानी कि इनपुट स्टेटमेंट है इज़ यूज, इस्तेमाल होती है व्हेन, जब द प्रोग्राम नीड्स, जब प्रोग्राम को ज़रूरत होती है वैल्यूज़ की, टू बी प्रोवाइडेड, मुहैया करने के लिए बाय द यूज़र को। व्हेन क्यू बेसिक इनकाउंटर्स एंड इनपुट स्टेटमेंट्स, जब क्यू बेसिक इनकाउंटर और इनपुट स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इट प्रॉम्प्ट्स एंड वेट्स फॉर द यूज़र टू इंटर अ वैल्यू। तो जब इंतज़ार करना पड़ता है यूज़र के लिए किसी भी वैल्यू को इंटर करने के लिए। द सेंटेक्स ऑफ इनपुट स्टेटमेंट इज एज फॉलो। सेंटेक्स इनपुट जो स्टेटमेंट है वो दर्ज ज़ैल है, इनपुट वेरिएबल और इनपुट मैसेज वेरिएबल। यानी कि जो स्टेटमेंट है ये दो तरह से लिखी जा सकती है, एक इनपुट वेरिएबल के तौर पर और या इनपुट मैसेज वेरिएबल के तौर पर। इन द फर्स्ट केस, सबसे पहले वाले में, द आउटपुट स्क्रीन इज़ ब्लैंक। आउटपुट स्क्रीन यानी मॉनिटर की जो स्क्रीन होगी वो ब्लैंक खाली होगी, विद अ क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क के साथ। प्रॉम्प्टिंग एंड इनपुट, प्रॉम्प्टिंग के लिए और इनपुट के लिए, यू कैन नॉट मेक एनीथिंग फ्रॉम इट, आप नहीं बना सकते कोई भी चीज़ इसके लिए। एग्जाम्पल, CLS यानी क्लियर द स्क्रीन, इनपुट a%, प्रिंट a%, इनपुट विद अ मैसेज स्ट्रिंग, इनपुट मैसेज स्ट्रिंग के तौर पर, द क्वेश्चन मार्क डैट अपेयर्स, ज़ाहिर होगा ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, इज़ नॉट वेरी सजेस्टिव एज टू वट डेटा वैल्यू इज़ टू बी इनपुट बाई द यूज़र। यानी कि सजेस्ट करना होगा एज टू के तौर पर वट डेटा के डेटा वैल्यू क्या है इज टू बी इनपुट के लिए बाई द यूज़र के। द इनपुट प्रॉम्प्ट बिकम्स क्लियर, जो प्रॉम्प्ट है इनपुट की वो क्लियर हो जाती है व्हेन, जब इट इज़ ऑकोपेन बाय अ मैसेज, जब इस पर किसी भी मैसेज को क्लियर किया जाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, CLS टाइप करें, इनपुट इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ एंटर अ नंबर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा a%। इन सेकेंड लाइन टाइप, इनपुट इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ एंटर अ नेम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड कॉमा एंड डॉलर। थर्ड लाइन, प्रिंट एंड डॉलर इन्वर्टेड कॉमा ओपन हैस स्क्वेयर्ड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा a%। यानी कि इन सब चीज़ों को हम कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट करेंगे तो इसका आउटपुट स्क्रीन पे ज़ाहिर होगा। रैम स्टेटमेंट इज़ यूज टू गिव रिमार्क इन अ प्रोग्राम। यानी कि किसी भी प्रोग्राम में रिमार्क करने के लिए रैम स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। अ रिमार्क इज़ समथिंग, यानी कि रिमार्क जो है विच इज़ इग्नोर, जो नज़रअंदाज करती है बाय द कंप्यूटर को। इट प्रेजेंट ये पेश करती है इन द प्रोग्राम को एज अ रेफरेंस फॉर द प्रोग्रामर, प्रोग्राम के रेफरेंस के तौर पर। थैंक्स।